हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स, द बेस्ट प्रेगनेंसी सेंट्रिक चैनल। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही गर्भवती महिला के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं के खान पान में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होने लग जाता है कि जो चीजें उन्हें नॉर्मली पसंद नहीं आती थी, वो चीजें वो गर्भावस्था के दौरान खाना स्टार्ट कर देती है, और नॉर्मली जिन चीजों का सेवन गर्भावस्था से पहले वो करती थी, उन चीजों का सेवन गर्भावस्था के दौरान नहीं करती है। तो ये सब कुछ होना बहुत ज्यादा आम बात है। तो इसी के क्रम में आज मैं बात करूंगी कि क्या अवस्था के दौरान गर्भवती महिला को लेमन सोडा, बंटा सोडा वगैरह पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्या ये गर्भवती महिला के लिए सेफ होते हैं या नहीं। तो ये सब जानने से पहले एक बार याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल बटन को प्रेस करें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को लेमन सोडा वगैरह पीने का बहुत ज्यादा मन करता है। वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि गर्भवती महिलाओं को गैस वगैरह बनने लग जाती है इस दौरान, तो उनका मन करता है कि वो इस टाइप के ड्रिंक्स वगैरह पिए जिससे कि उनको गैस की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान इस तरीके के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि बंटा सोडा हो गया, गोली सोडा जिसे कहते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि इसमें लेमन डाल के इसे तैयार किया जाता है और लेमन जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में अवेलेबल इन ड्रिंक्स को पीने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सोडा वाटर में यूज होने वाला जो वाटर है वो किस तरीके का है, कितना प्योरीफाई है, कितना ट्रीटेड है, और इस तरीके के ड्रिंक बनाने वाले ने कितने हाइजेनिक तरीके से काम किया है। और इसके साथ ही सोडा तैयार करने में इसमें आर्टिफिशियल शुगर और सल्फर का प्रयोग किया जाता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान इस तरीके की कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से कई बार मिसकैरेज की संभावना भी बन जाती है, और साथ ही और अगर आप गर्भावस्था के दौरान इस तरीके के ड्रिंक्स का सेवन करती रहती है तो आपके प्रीमेच्योर बर्थ की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही जिन महिलाओं को शुगर का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को इस तरीके के ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके साथ साथ आपके घर में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। अगर आप गर्भावस्था के दौरान बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको अपने साथ घर से ही पानी की बॉटल अवश्य ले जानी चाहिए, और अगर आप किसी कारणवश पानी की बॉटल ना ले जा पाए तो ध्यान रखिए कि जो भी ड्रिंक आप मार्केट में पी रही हो वो साफ सुथरी जगह में पीजिए। और अगर आपका बहुत ज्यादा मन लेमन सोडा वगैरह या फिर बंटा सोडा पीने का कर भी रहा हो तो ध्यान रखिए कि बहुत ही लिमिट में आपको इसको पीना चाहिए। ऐसा ना करें कि आप जब भी मार्केट जा रही हो तो बिना सोचे समझे आप लेमन सोडा वगैरह पी रही हो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में मन तो बहुत चीजों का करता है खाने पीने का, लेकिन कुछ चीजों में आपको रोक लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इन चीजों में रोक नहीं लगाएंगे तो आपकी गर्भावस्था पे इसका विपरीत असर पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ प्रेगनेंसी के बाद बच्चों की केयर कैसे करें उसके लिए हमारे बेबी केयर सेंट्रिक चैनल मॉम इन इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ इसी तरीके की वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में सुनने के लिए हमारे इंग्लिश चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने नियर एंड डियर के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।